तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैमसंग के उन डिवाइसेस के बारे में जिनको कि नए सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिले हैं। तो दोस्तों कौन से हैं वो सैमसंग के डिवाइसेस और कितने साइज की अपडेट, फुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक, मुझे पता है जरूर से कम्प्लीट कर देंगे। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों तो सबसे पहले अपडेट की बात करें तो वो सैमसंग के 22 5G डिवाइस के लिए सैमसंग ने फाइनली इंडिया के अंदर सैमसंग के 22 5G डिवाइस के लिए ऑफिशियली एंड्रॉइड 12 बेस्ड वन यूआई 4.1 का जो अपडेट है वो रोल आउट करा दिया। बात करें अपडेट फाइल साइज की जो कि 2067 MB के आसपास की है। जून 2022 का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है और मैंने ऑलरेडी सैमसंग के 22 5G डिवाइस के एंड्रॉइड 12 बेस्ड वन यूआई 4.1 अपडेट का फुल रिव्यू भी किया। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला अपडेट की बात करें तो वो सैमसंग के 21S डिवाइस के लिए सैमसंग ने फाइनली इंडिया के अंदर सैमसंग के 21S डिवाइस के लिए ऑफिशियली एंड्रॉइड 12 बेस्ड वन यूआई 4.1 का जो अपडेट है वो रोल आउट करा दिया। बात करें अपडेट फाइल साइज की जो कि 1836 MB के आसपास की है। जून 2022 का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है और मैंने ऑलरेडी सैमसंग के 21S डिवाइस के एंड्रॉइड 12 बेस्ड वन यूआई 4.1 अपडेट का फुल रिव्यू भी किया। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगले अपडेट की बात करें तो वो सैमसंग के M01 डिवाइस के लिए सैमसंग ने फाइनली इंडिया के अंदर सैमसंग के M01 डिवाइस के लिए ऑफिशियली एंड्रॉइड 12 बेस्ड वन यूआई 4.1 का जो अपडेट है वो रोल आउट करा दिया। बात करें अपडेट फाइल साइज की जो कि 1420 MB के आसपास की है। जून 2022 का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है और मैंने ऑलरेडी सैमसंग के M01 डिवाइस के एंड्रॉइड 12 बेस्ड वन यूआई 4.1 अपडेट का फुल रिव्यू भी किया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सैमसंग के कुछ डिवाइसेज जिनको कि नए सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।